हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ओलिजन टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि भारत के अपवाद तंत्र से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो भारत की नदियों से रिलेटेड है और अपवाद तंत्र से। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है गांधी सागर बांध निम्न में से किस एक परियोजना का भाग है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है चंबल परियोजना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर आपको बताना है, गंगा, महानदी, सुवर्णरेखा या हुगली। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दो नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है सी, जो कि है हुगली। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा नगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर बताना है, लुधियाना, पटियाला, श्रीनगर या अमृतसर। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तीन नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डी, जो कि है श्रीनगर। ठीक है, इसका सही आंसर है श्रीनगर, यानी झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा नगर है, श्रीनगर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर आपको बताना है, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की सीमा पर, जम्मू कश्मीर में या फिर उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, चार नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है बी, जो कि है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट जो झील है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है अलमाती बांध किस नदी पर बनाया गया है, यानी अलमाती बांध जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और कौन सी नदी पर बनाया गया है, इसका सही आंसर हमें बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ताप्ती, सुवर्णरेखा, कृष्णा, कावेरी। तो इसका चार ऑप्शन में सही आंसर जो है पाँच नंबर क्वेश्चन का वो है डी, जो कि है कृष्णा नदी। ठीक है, अलमाती बांध जो कर्नाटक में है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में किस नदियों के समूह में से कौन सा बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, छः नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ए, जो कि है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, तंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है। तंगभद्रा जो परियोजना है वो कौन से दो राज्यों से संबंधित है। तो आप 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है बी, जो कि आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान में चिनाब से मिलने वाली नदी है, पाकिस्तान में चिनाब से जो नदी मिलती है वो कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन है, व्यास, सतलज, रावी या झेलम। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है सी, जो कि है झेलम। ठीक है, तो पाकिस्तान में चिनाब से मिलने वाली नदी है झेलम। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिणी भारत की किस नदी के द्वारा ग्रीष्म व शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास चार ऑप्शन है, कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ए, जो कि है कावेरी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 10, वो है रोहतांग दर्रे के पास किस नदी का स्रोत है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है, रावी, सिंधु, झेलम और सोन। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ए, जो कि है रावी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है दामोदर घाटी परियोजना का संबंध किन दो राज्यों से है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ जिससे कि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डी, जो कि बंगाल और झारखंड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है, तो इसे ठीक से याद कर लेना है। याद एक बार में नहीं होता है तो आप सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए जिससे कि आप बाद में भी इन क्वेश्चंस को पढ़ पाएँ। ठीक है, तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ए, जो कि है भागीरथी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कावेरी, कृष्णा, वेनगंगा या गोदावरी। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है बी, जो कि है कृष्णा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किन नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक समान है। तो निम्न में से किन नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक समान है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है बी, जो कि है ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। तो ये थोड़ा ब्लर है, इसे ठीक से मैं आपको बता देता हूँ, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे पता है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डी, जो कि है लोकटक, जो कि है मेघालय। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ,
16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ए, जो कि है नर्मदा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ओकारेश्वर परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है सी, जो कि है नर्मदा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी ज्वारदनमुख बनाती है, ज्वारदनमुख बनाती है, ज्वारन दमुख बनाती है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर मैं आपको बता दें, इसका सही आंसर है बी, जो कि है ताप्ती। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, जो कि है साबरी। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 20, तो अंतिम क्वेश्चन मान सकते हैं आप, गंगा किनके बीच नवगम्य है, तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ए, जो कि इलाहाबाद और हल्दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।